सॉरी ब्रो सॉरी, मेरे को दिखे नहीं आपको लगी तो नहीं? नहीं ब्रो, मैं ठीक हूँ। पक्का? हाँ ब्रो। आप जा कर रहे हो, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे नहीं, मैं चला जाऊंगा। अरे कोई नहीं ब्रो, मैं वहीं जा रहा हूँ, मैं आपको छोड़ देता हूँ, आओ। ओके। आराम से ब्रो, आराम से। अच्छा ब्रो, तुम्हारा घर आ गया, मैं चलता हूँ। ब्रो वैसे लेट नहीं हो रहा तो एक कॉफी हो जाए? ब्रो लेट तो नहीं हो रहा, पर कॉफी और तुम। अरे ब्रो तुम चलो तो सही, आओ। ब्रो वैसे तुम यहाँ पे अकेले रहते हो? हाँ ब्रो, मैं और मेरी तन्हाई। ब्रो तुम यहाँ बैठो, मैं कॉफी बना के लाता हूँ। ओके ब्रो। ब्रो। हाँ ब्रो। ये फ्रेम में लड़की कौन है? अच्छा वो है मेरी दुनिया और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, बट अफसोस कभी उसे बता नहीं पाया। बट क्यों? अरे ब्रो आराम से। ब्रो ये लो कॉफी, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। बैठो बैठो। उसका नाम प्रिया है। मैं सब कुछ छड़ दिता तेरे करके, तेरे हो तो सब कुछ वारी बैठिया। तेनु पता ता है पर फिकर नहीं, तेरे लिए मैं आरा वे कवारी बैठिया। यारी तेरी वे यारी जिस माँ तक है सारी दी सारी, यारी यारी तेरी वे यारी जिस माँ तक है सारी दी सारी। रुस्तम, अबे कब तक सोता रहेगा, 10 बज गए, उठ जा। अबे साले 5 मिनट और रुक जाता, तेरी भाभी को किस करने ही वाला था। अबे हमेशा ख्वाबों में मिलता रहेगा, हकीकत में कब आएगा वो दिन? पूरे 1 साल से देख रहा हूँ तुझे। क्या करूँ मेरे भाई, जब भी उसके सामने जाता हूँ कुछ बोल ही नहीं पाता। भाई ऐसे कब तक चलता रहेगा, आज तो कुछ भी हो जाए तू भाभी को प्रपोज कर ही दियो। भाई उसे भी तो पता चलना चाहिए, तू पूरे 1 साल से उसे कितनी शिद्दत से चाहता है। क्या करूँ यार, कहीं उसने मना कर दिया तो? भाई तू इतना नेगेटिव क्यों सोचता है, क्या पता वो भी तेरे से प्यार करती हो। तू टेंशन ना ले, जल्दी से रेडी हो जा, भाभी आने वाली होगी। चल चल ठीक है यार। लड़की नहीं है वो जादू है, और
प्रिया। भाई तू ठीक तो है? भगवान का लाख लाख शुक्र है, तुझे होश तो आ गया। तू पूरे एक साल से कोमा में था, डॉक्टर ने कह दिया था कि तू अब जिंदा नहीं बच पाएगा। पर भाई मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? भाई उस एक्सीडेंट में तेरी आंखें चली गई थी। क्या संभाल भाई, खुद को संभाल। ये तो भगवान का शुक्र है कि तू तो ठीक हो गया। भाई प्रिया कैसी है? भाई उस एक्सीडेंट में उसे भी थोड़ी चोट आई थी, बट हम उसे हॉस्पिटल ले गए थे, अब वो ठीक है। अब भाई उसे जाके तू सब कुछ बता दे, तूने उसके लिए क्या किया है और तू उससे कितना प्यार करता है। नहीं भाई, शायद अब मैं उसके काबिल नहीं रहा यार, क्योंकि वो मेरे जैसे अंधे के साथ अपनी पूरी लाइफ कैसे गुजारेगी। बट भाई उसे पता तो लगना चाहिए उसकी वजह से तेरा ये हाल हुआ है और तू उससे कितना प्यार करता है। नहीं यार, वो अपनी लाइफ में खुश होगी और उसे खुश रहने दे। मैं अकेला जी लूँगा अपनी ज़िंदगी। शायद ऊपर वाले ने मेरी किस्मत में ही नहीं लिखा था उसका प्यार। और मेरे भाई, एक तरफा मोहब्बत का अलग ही सुकून है मेरे यार। ब्रो, ये थी मेरी कहानी। कुछ ज़्यादा इमोशनल थी। अच्छा ब्रो, अभी भी तुम उससे इतना ही प्यार करते हो? मेरा प्यार इतना कमज़ोर नहीं कि वक्त के साथ कम हो जाए। मैं पहले भी उससे बेपनाह मोहब्बत करता था और अब भी करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। ब्रो, तुम्हें उसे प्रपोज करना चाहिए। नहीं ब्रो, अब वो इस अंधे के साथ क्या प्यार करेगी? हमें उस पर पूरी ज़िंदगी बोझ बन के नहीं रहना चाहता। प्यार बोझ नहीं होता ब्रो, चाहे लाख खुशी दे दो, बट जहाँ प्यार नहीं होगा वहाँ पर कोई खुशी नहीं। और ये मैटर नहीं करता तुम अंधे हो। अच्छा ब्रो, मैं चलता हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ। वैसे यार तेरी स्टोरी बहुत इमोशनल थी। अब तू जिससे प्यार करता है वो बहुत खुशकिस्मत है। अच्छा ब्रो, अपना नंबर दो। बट क्यों? आसिम दोस्त है ना, मिलते रहेंगे। ओके ब्रो। ओके ब्रो, मैं चलता हूँ। ओके ब्रो, बाय। हेलो रुस्तम ब्रो, मैं मोहित। हाँ ब्रो, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। जल्दी से चर्च वाली गली में आओ। बट क्यों? आओ तो सही। ओके ठीक है, आता हूँ। ओके। रुस्तम ब्रो, आराम से ब्रो। ब्रो ये कौन है? ब्रो ये वही है जिसे तू शिद्दत से प्यार करता है, तेरी प्रिया। बट ब्रो। बट और कुछ नहीं ब्रो, प्रिया मेरी फ्रेंड है और मैंने इसे तेरी सारी कहानी बता दी है और ये तेरे साथ सेटिस्फाई है। मुझे पता है तुम दोनों बहुत खुश रहोगे एक साथ। अब हाथ में हाथ डाल के रहोगे या गले भी मिलोगे? मांगी खुदा से तू वो मन्नत है। तेरी वफा का सहारा मिला है, तेरी ही वजह से अब मैं जिंदा हूँ। मेरे हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। प्रिया, प्रिया, प्रिया। हाँ यार, लगता है ना तुम मेरे साथ खुश नहीं हो।
नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। बट यार तुम्हारी खामोशी कुछ और ही बोल रही है। अच्छा प्रिया, एक बात पूछूँ मैं? हाँ पूछो। यार अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी फीलिंग है ना, तो प्लीज़ यार सच सच बताना, उस दिन मोहित ने आके तुमसे क्या बोला था? इतने जल्दी क्यों बुलाया? यार तुझे कुछ बताना था। हाँ बता। तुझे याद है तेरा एक्सीडेंट? यार मुझे उस एक्सीडेंट के बारे में तो कुछ याद ही नहीं है। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। यार तू उससे मिल ले, वो तेरे से बहुत प्यार करता है। पागल है, मैं तेरे से प्यार करती हूँ और तुम मुझसे। बट यार तू समझ, उसने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया, उसने तेरे लिए अपनी आंखें तक खो दी। ठीक है। हे श्री, कॉल मोहित ब्रो। हेलो मोहित ब्रो। हाँ ब्रो। यार तेरे लिए सरप्राइज है, जल्दी से जैपनीज पार्क आ जा। क्या सरप्राइज है? अरे कुछ नहीं यार, तू आ तो सही। ओके ठीक है, मैं आता हूँ। चल ठीक है। हेलो रुस्तम ब्रो। हाय प्रिया। ब्रो यहाँ बैठ। ब्रो बैठ तो सही। बता ब्रो क्या सरप्राइज था? तूने सही दोस्ती निभाई मेरे यार, अपने प्यार को मेरे हवाले करके। और प्रिया ना मेरे से ज़्यादा तेरे साथ खुश है, क्योंकि वो तेरे से प्यार करती है और मेरा प्यार तो एक तरफा था, और तुम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हो। बट ब्रो, बट वट कुछ नहीं मेरे यार। अच्छा एक बात बता, प्रिया को दुखी देखकर क्या मैं खुश रह पाऊंगा? यार उसकी खुशी मेरे से ज़्यादा तेरे साथ है, और मुझे पता है तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और हमेशा खुश रहोगे। चल ठीक है ब्रो, मैं चलता हूँ। हमेशा खुश रहना। सोचता हूँ कि मेरी आँखों ने क्यों सजाए थे प्यार के सपने, तुझसे मांगी थी एक खुशी मैंने, तूने गम भी नहीं दिए अपने, तूने गम भी नहीं दिए अपने, तूने गम भी नहीं दिए अपने। जिंदगी बोझ बन गई अब तो, अब तो जीता हूँ और न मरता हूँ। मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ।